शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्वींस कॉलेज हॉस्टल लंदन। पूज्य भाई साहब, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इंजीनियरिंग के फाइनल इम्तिहान में भी मैं पहले नंबर से पास हो गया। मैं समझता हूँ मेरी मेहनत से ज्यादा ये आप सबके आशीर्वाद का फल है। वैसे तो मैं हजारों मील दूर बैठा हूँ, लेकिन आप सब बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। आप अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे हो और मां जी को आपके सामने होना चाहिए। उनकी गोद में बैठी होगी एक लड़की जिसके दांत चूया ले गए। अरे चाचा जी को कैसे पता चला कि मेरे दांत चूया खा गए हैं? हाँ जी। और आपकी बगल में बैठा होगा, खत पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा एक बंदर जिसका नाम राजू। मां जी के पीछे बिल्कुल पीठ के साथ लगकर खड़ी होगी गीता और उसकी उंगलियों में सही के निशान होंगे। अरे और पास ही भाभी खड़ी होगी, हाथ आटे से लथपथ। तीन साल से उनका बनाया हुआ खाना खाने के लिए तरस रहा हूं। और सत्यन अपने उसी पुराने अड्डे पर बैठा पड़ रहा होगा, वहां से सारी बंबई की तरफ कभी कभी देखकर फिर पढ़ने में लग जाता होगा। मुझे सत्यन के बारे में कोई फिक्र नहीं। एक शख्स और है जो खिड़की की ओट में खड़ा इस चिट्ठी को बड़े ध्यान से सुन रहा होगा। और यार नविंदु, विजय को कैसे मालूम हुआ कि हम खिड़की के बाहर खड़ा रहे कर उसका खत सुनता है? यार वो खुदा कसम बिल्कुल नजूमी है, नजूमी। आपके बारे में क्या लिखूं? आप जो मेरे भाई ही नहीं, मेरे पिता हैं, मेरे देवता हैं। मेरे लिए आपने क्या नहीं किया, सोचता हूँ आपके एहसानों का बदला किस तरह चुका सकूं। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। कहीं का आपको दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए जो कुछ मुझसे हो सकता था मैंने किया है, और जो कुछ भी हो सकेगा मैं करूंगा। दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारी खुशी बांटने के लिए आप हमारे साथ लिए। नवेंदु बेटा, बचपन में तुम्हारी मां चल बसी और उसके बाद मां की ममता तो क्या, मैं तुम्हें बाप का प्यार भी नहीं दे सकता। ऐसा ना कहिए पिताजी, आपने मुझे क्या नहीं दिया? क्या दिया है? एक सौतेली माँ, दो सौतेले भाई और एक सौतेली बहन। पिताजी, मैं आपको सौगंध खाकर कहता हूं, जिन्हें आप सौतेला कह रहे हैं ना, मुझे अपनी जान से भी प्यारे होंगे, हमेशा रहेंगे। जीते रहो बेटा नवेंदु, सबको तुम्हारे जैसे बेटे मिले। पिताजी, भगवान मुझे शक्ति दे कि आखिरी सांस तक आपको दिया हुआ वचन निभा सकूं। आओ खान बेटा, विजु का पास होने का खबर आया, तुम लोग सब काम काज छोड़ के पुराना गाने सुनते हैं, नया सपना देखते हैं। हाँ खान, इस गाने में मेरे पिताजी के सपने थे, और ऐसा लगता है शायद अब वो सच्चे हो गए। क्यों नहीं नविंद्र भाई, तुम दिन भर नौकरी करते हैं, रात को बाहर का काम करते हैं, मगर विजू आ जाएगा तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, माँ जी कपड़ा नहीं सिएगा, भाभी रसोई में नहीं जाएगा, इधर हर जगह नौकर काम करेगा और हम अपना गैरेज बंद करेगा और आराम करेगा। ये बोलो जी बोलो, अब बधाई हो नविंदु, बधाई हो। विजू की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। लाला जी, हाँ जी, हमको तो खुशी हुआ कि हमारा भाई आता है।
और तुमको इस बात का खुशी है कि तुम्हारा असल और सूद दोनों आता है। बोलो जी बोलो। अजी मुझे तो खुशी इस बात की है कि एक भाई ने मकान गिरवी रखकर कर्ज लिया तो दूसरा भाई वो कर्ज उतारने के लिए आ रहा है। लाले जी लाले जी, तुम्हारा काम धंधा इसी तरह चलता रहेगा क्यों कि तीसरा भाई भी वलैत जाने का तैयारी करता है। आइए सत्यन साहब, पर्ची उठाओ और कर दो साड़ी तकदीर का फैसला। ठीक है, तुम्हारा बड़ा बुरी आदत है, हर बात का सवाल पूछता है। अच्छा बाबा, सवाल नहीं पूछते लेकिन है क्या? तो ठीक है, अभी पर्ची तो निकालो, जल्दी से निकालो, निकालो जल्दी जल्दी जल्दी। बीरबल शहीद होने वाला बकरा नंबर 8 है और इसने अपनी आंखों से शहीद होते हुए 7 बकरा देखा। लेकिन ये चक्कर क्या है? कॉलेज में एक नई मुसीबत आई है जिसका नाम है लड़की। अरे लड़की नहीं, एकदम आफत 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 से फूटने वाला बम। अरे वाह, बताओगे आखिर है कौन? अरे लॉन्ग कट से काय को जाता है, इधर से जाने दिख रहा, जल्दी मिला जल्दी। ढुलक बिरबल, या अल्लाह खैर। अंजा जिंदा वापस आना। सोने हो साढ़े नाल पिक्चर ते लोगे? कमाल है, फर्स्ट ईयर की छोकरी और ये हिम्मत? अगर तेरे में हिम्मत है तो आगे बढ़कर तोड़ देने उसकी हिम्मत। मैं 9 नंबर में तेरे नाम लिख देता हूँ। बच्चे बोल लिखा, अगर 24 घंटे के अंदर मैंने इस पंछी को अपने हाथों से दाना नहीं खिलाया तो मेरा नाम भी सत्यन है। अरे दैट बॉय हैज टेकन द चैलेंज। चैलेंज? किस बात का चैलेंज? तुमको बरूपर करने का। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? उसका जो फ्रेंड है ना, वो हमारा ज फ्रेंड है। उसको हम बोलता है, रुस्तम तुम कितना अच्छा है, तो वो सब कुछ बक देता है। अच्छा, उस महाशय का नाम क्या है? सत्यन प्रसाद गुप्ता। शक्ल और सूरत? अखा वीक में एक टाइम शेव करता है और 4 दिन पीछे ड्रेस चेंज करता है। डर्टी फेलो। रहता कहाँ है? 9:30 से 2:00 तक लेक्चर रूम में, 1:30 से 6:00 तक लाइब्रेरी में और 6 से 6:30 तक कॉमन रूम में। देन आई डू। दैट मीन्स हिज बुकवर्म, किताब का कीड़ा। करेक्ट। अच्छा, मोटा है या दुबला? बीच में का है। लंबू है या टेंगू? मीडियम। कौन? 5 फुट जमीन के ऊपर है तो 5 फुट जमीन के नीचे भी। बी केयरफुल, ऐसा आदमी बहुत डेंजरस होता है। डोंट यू वरी, दिगरा ने आवत थे। मिस रीना, आपके हुस्न की तारीफ करने के लिए मेरे पास तो क्या, दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में अल्फाज नहीं। ये शरबती आंखें, ये गुलाबी गाल, ये रेशमी जुल्फें, ये अरे चालू रहनी दिखरा, चालू रहनी। हाँ चालू रहूं। ये पीली पीली आंखें, ये लटकते गाल, ये काले काले होंठ, ये मोटी मोटी टोन देखे तो मेरे दिमाग से फार्मूला निकला जा रहा। अरे तू इसको छोड़नी, फार्मूला बोलनी बाबा। फार्मूला इज वेरी सिंपल बाबा। पास आओ, जल्दी दसो। लड़की से दोस्ती करो, उसके बाद? उसके बाद उसकी तारीफ करो। पीछू उससे कहो कि ऐसी आंखें तुमने कहीं नहीं देखी। उसके बाद? उसके बाद लड़की आंखें नीचे करके शर्मा जाएगी। शर्मा जाएगी, हाय मार चुकी। पीछू पीछू फिर उसकी और तारीफ करो, उससे कहो कि तुम्हारे ये होठ गुलाब की 2 पत्तियां और जी चाहता है इन होठों को, इन होठों को अगे फूटी यार। उसके बाद छोकरी क्या करेगी? उसके बाद छोकरी आशिक हो जाएगी। वो कैसा? सिंपल, हर खूबसूरत लड़की पहले से अपने आप पर आशिक होती है। जब कोई लड़का सही तरीके से तारीफ करता है तो वो उसी पर आशिक हो जाती है। ठीक है, तुम लोग एक खूबसूरत सी पिकनिक अरेंज करो, बाकी देखिए आपका गुलाम क्या करता है। Thank you.
इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। श्रीना, क्या मैं भी इन जुल्फों के सहारे जी सकता हूँ? आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, क्या मैं कैसे कह सकती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। जी बंदा तो नाचीज है, आपके कदमों की खास। आप हमारे दिल से तो पूछिए, हमारी आंखों से तो देखिए कि। बस करो रीना, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। क्या हो गया रीना? मैं भी हैरान हूँ। हो ना? कब मिलोगी? जब तुम कहो। कहाँ? जहाँ तुम कहो। वैसे मैं स्विमिंग पूल पर रोज जाती हूँ। अच्छा, आज आ जाऊं? हाँ, नहीं कल। अच्छा। Excuse me, could you tell me where is Miss Reena? She's in the office. Thank you.
खन्ना, मैं हूँ। तुम लोग अंदर जाओ, चला अंदर में जाओ। ए बाबू, तू कहाँ वापिस जाते है? देखिए दरअसल बात ये, जब मैं यहाँ पर आया तो ऑफिस का बोर्ड लगा था, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम झूठे हैं, तू सच बोला थे, है बदमाश कहीं के? मैं शायद बदमाश करता हूँ, मैं। हाँ हाँ, तू बहुत शरीफ लगा थे, इसीलिए छोकरियन को देख रहा था। हम कहते तू बच के नहीं जा सकत, समझा? हम तुहार हड्डी पतली का सुरमा बना के आंखों में लगाए हो। अरे मैया मर गया, अरे ये मर जाएगा। अरे तू हो तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मर गया अंदर, निकला। अरे छोड़ दे। अरे हम आवाज़ है, हमको तैरना नहीं आवाज़ है, हमें पुलिस पकड़ देगी। दीखा फॉर्मूला नंबर वन तो पानी में डूब गया। नहीं, फॉर्मूला नंबर वन पानी में डूब गया ना, कल देखना फॉर्मूला नंबर टू क्या जादू है। टुमारो टिश्यू टिश्यू। चला नहीं जाता? यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था, इतनी बड़ी बड़ी बैल जैसी आंखें होकर भी देखकर चला नहीं जाता। Shut up. किसके ध्यान में खोई हुई थी, दिलीप कुमार या देवानंद? दफा हो जाओ। अब तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे मैडम, बाजू में एक अच्छा सा होटल भी है और वहाँ बियर भी मिलती है। You idiot! देखिए भाई साहब, लड़कियों से इस तरह बात करना बदतमीजी है। सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी। नहीं सर, गलती हो गई सर। बोल, गलती हो गई सर। नहीं नहीं, माफ कीजिए, आपको तकलीफ तो हुई। कभी नहीं सोचा हाथ और गाल का मिलाप से इतना बड़ा पम फट सकता है। ए रसगुल्ला, अरे पर दैट इज नॉट ही फॉल्ट बाबा। अरे वो छोकरी नहीं, अब पूरा पावर हाउस है। पावर हाउस हाथ लगाएगा ना तो बिजली का करंट मारता है। बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट थ्योरम्स एंड प्रॉब्लम्स आर जस्ट लाइक ए मैरिज कपल, आई मीन wife and husband. If you can win over the wife, the husband is already conquered. So if you can master the theorems, problems are no more problems. They are already solved. The first theorem in trigonometry is
Can any one of you solve it? Miss Reena, can you do it? I'll try. Come on. Silence! Arey Baba, if it is a good joke, tell us. Hum bhi hasenge. Silence! आपको बहुत हंसी आ रही है। तशरीफ लाइए, इधर आइए। क्या हुआ? चलिए प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। सर पहले इन्हें हटा दीजिए। क्यों? हाँ सर हटा दीजिए, मैं माँ बाप का अकलौता बेटा हूँ, अगर मुझे बिजली का करंट लग गया तो। ये क्या बदतमीजी? सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, इन्होंने खुद ही पीछे बोर्ड लगा रखा है, आप भी देखिए देखिए। के बाद बारी है सत्यन की, जरा कार्डिगन तुम्हारे लिए, बॉन्ड स्ट्रीट लंदन से लाया। क्या बात है बीजू भैया, बॉन्ड स्ट्रीट स्ट्रेट फ्रॉम लंदन? कॉलेज की लड़कियों को इंप्रेस करना हो तो काम आएगा। थैंक यू भैया। और हाँ गीता, ये रही तुम्हारी साड़ी, जरा जल्दी से पहन के बताओ। नहीं भैया, ये साड़ी तो मैं तुम्हारी शादी में पहनूंगी। अरे 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 वाह वाह भैया, देखा जब छोड़ के गया था तो इतनी अच्छी थी, अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। बिजू बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम्हारे लिए लड़की और इसके लिए लड़का, दोनों एक साथ तलाश करने होंगे। अरे भाई लड़की लड़का तो ढूंढते ही रहेंगे, चलो पहले खाना तो खा लो, तुम्हारे लिए खास करेले बनवाए हैं। और माँ मेरी उड़द की दाल। हाँ हाँ वो भी तैयार है। अच्छा चलो भाई चलो चलो भाई चलो, तुम भी चलो। ये हुई ना चाय। क्या बात है बीजू, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? देख तेरी नौकरी तो लाइफ में कैसे पक्की हो गई? भाभी जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, उस कंपनी की ब्रांचेस सारी दुनिया में है, लंदन में इसका हेड ऑफिस है। एक साल से इसके पीछे पड़ा हुआ था। से इसके पीछे पड़ा हुआ था। अच्छा तो ये है वो साहब जिनके लिए हमारी दीदी ने लंदन छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी, अब कुछ ही दिनों में घर भी छोड़ने वाली है। लगते तो अच्छे हैं। मिजाज कैसे है जनाब? बहुत स्वीट है बेचारा, उसके मुंह में तो जुबान तक नहीं। ओह वेल इट्स ओके। क्यों? इसलिए कि अगर उसके मुंह में जबान होती थी तो हमारी प्यारी दीदी उसे बोलने का देती। इनकी भाइयों से पिताजी ये तस्वीर तो देखो। किसकी तस्वीर है? हमारे होने वाले जीजा जी की, विलायती पसंद है दीदी की। अरे वाह, फोटो से तो लड़का अच्छा लगता है। अरे फोटो से क्या मालूम होता है, फोटो में तुम्हारा भी थोबड़ा अच्छा ही लगता था। मेरे थोबड़े को क्यों रोती हो, जरा अपना चौखटा भी तो देखो। तुमसे तो लाख दर्जे अच्छा है, तुम्हारी तरह काला भुजंग तो नहीं। अरे शादी की रात तक अपना रंग भी गुलाबी था,
वो तो तुम्हारा घूंघट उठते ही ऐसा उड़ा कि आज तक वापस नहीं आया। वो तो मैं हिम्मत नगर की रहने वाली थी कि तुम्हारी अफ्रीकी जैसी सूरत देखने के बाद भी जिंदा रही। अगर मेरी जगह कोई दूसरी होती तो कब की राम प्यारी बन गई होती, समझ गए? देखो भगवंती, सारी उम्र मैंने तुम्हारी बात मानी है, मेरी ये एक बात मान लो, मुझे उनके यहाँ जाने दो। 21 साल में ये पहला रिश्ता आया है, एक लड़की को तो घर से जाने दो, मैं रीना को लेकर उनके यहाँ जाता हूँ। ठीक है, रीना बेटी तुम इनके साथ जाओ और जहाँ ये गलत जगह बोला है इनका मुंह बंद कर देना। अजी कौन है? दरवाजा खोलिए। अजी ये तो बताइए कि कौन है? गुप्ता जी हैं घर में? अजी इस घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है तो फिर आप कौन हैं? मुझे भी ना होने के बराबर ही समझ लीजिए। जाइए तशरीफ ले जाइए। अजी करें तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे कमाल करती है, मैं तो यहाँ पे रहता हूँ। तुम यहाँ रहते हो? तो फिर वो नवेंदु प्रसाद गुप्ता कहाँ रहते हैं? हाँ, वो भी यहीं पे रहते हैं, वो वैसे बड़े भैया हैं। पिताजी आइए, यही घर है। मुर्गी दोनों, ये तो बाप को लाई। देखिए ये तो हमारे आपस का मामला है, इसमें पिताजी को घसीटने, मेरा मतलब उनको बीच में लाने की क्या जरूरत है? पिताजी आइए ना। कमाल करती हैं आप, देखिए ना कॉलेज कॉलेज है, घर घर है, फादर फादर मदर मदर, मेरा मतलब है वाइफ इज लफड़ा मैन डोर। ये कॉलेज की लड़ाई कॉलेज में सेटल नहीं हो सकती। दरवाजा खोलिए। दरवाजा जी। दरवाजा दरवाजा खोलता हूँ। तो मर गई धन्नो। बरखुरदार गुप्ता जी से बोलो लाला आलोपी प्रसाद आए हैं। फिर आप यहाँ से लोप हो जाइए ना। हैं? सोच क्या रहे हो बरखुरदार, हम तुम्हारे भाई साहब से बात करने आए हैं। भैया से मिलने आए? भैया घर में नहीं है, अगर होते भी तो उनसे मिलने से कोई वादा नहीं था। लेकिन ये हमारी आपस की बात है, तय हो जाएगी। बात भी छोटी सी है, होगी बरखुरदार तुम्हारे लिए छोटी सी बात हो सकती है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कमाल करते हैं आप भी, देखिए ना बच्चे शैतानी करते हैं, बच्चों का काम है गलती करना और बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो क्या आप इस उम्र में करेंगे? मर गए। रीना बेटी तो फिर चले। पिताजी जब आए हैं तो बात करके ही जाएंगे। गुप्ता जी ना सही, उनकी माता जी तो होंगी। माता जी? हाँ माता जी से मिलते चलेंगे। माता जी घर में है, घर में है, लेकिन उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है। पंडित जी ने कहा वो आज किसी से बात नहीं कर सकते। हाँ हाँ किससे बातें? भाभी आओ मेहमान आए, लेकिन जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। हम गुप्ता जी से मिलने आए थे, वो नहीं है तो सोचा माता जी से ही मिलता चलो। आओ ना। आप बैठे। जी हाँ बैठे। क्या है बाबू? ये मेहमान आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आलोपी प्रसाद और ये है मेरी बेटी रीना। बच्ची बहू जरा चाय दिया। अभी रहना। जी नहीं, तकलीफ की क्या जरूरत, हम तो इसलिए आए थे। कैसे कहूँ, हमारी बड़ी बेटी नीला अभी अभी विलायत से आई है, सुना है आपका बेटा बीजू प्रसाद भी वहीं था। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं।
अभी कॉलेज में मैंने इस लड़की को बहुत तंग किया था, लेकिन उसने भी किया था, और आज आज देखो ना, अपने बाप को लिए यहाँ शिकायत कर रहे हैं। समझी, अब किया ही है तो जाओ भुगतो। सत्यन मर गई धन लो, अभी अभी आज के दिन बचा लो, जिंदगी भर तुम्हारी नौकरी करूंगा, प्लीज प्लीज। सत्यन मर गई धन लो। माँ माँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, धर्म से बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है, झूठ है, इल्जाम है। ये क्या कह रहा है? हाँ हाँ माँ, जो कुछ भी इन्होंने कहा ये सब झूठ है। जी मेरा मतलब आपसे नहीं, आपकी बेटी से, जो कुछ भी इन्होंने कहा आपसे गलत कहा, मेरा मतलब है सच कहा, मेरा मतलब गलत है, गलत है, सब गलत। बरखुरदार, आपके बारे में जो कुछ भी कहा है ठीक मालूम होता है। जी ये मेरा छोटा बेटा सत्यन है, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। आपके बड़े बेटे बीजू प्रसाद भी ऐसे ही हैं क्या? ओह बीजू, अब अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, मेरा बीजू तो इससे कहीं बढ़कर है। हाँ? इससे भी बढ़कर? मर गई सन्नू, अब हम आज्ञा चाहेंगे। बैठिए ना, चाय पीकर जाइए सत्यन। हाँ, चाय पी के जाइए ना, चाय पिए बगैर आप कैसे जा सकते हैं, आप भी कमाल करते हैं। कमाल तो आप कर रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लड़की वाले हैं, कैसे आपके यहाँ चाय पी सकते हैं? अच्छा नमस्ते सत्यन बेटा, जरा दरवाजे तक छोड़ो। हाँ चलिए चलिए, वैसे छोड़ने को जी तो नहीं चाहता। हाँ जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, हम अपने आप जा सकते हैं, जा रहे हैं। नमस्कार। आप देवी जी, कोई कसर बाकी रह गई है? मैनर्स। मैनर्स? जी हाँ मैनर्स, मैनर्स यानी तमीज। शुक्रिया तक अदा नहीं किया, अगर मैंने सचमुच तुम्हारी शिकायत करती होती तो धन्नो सचमुच मर गई होती। सुनिए, आपने माँ के सामने ये क्यों जाहिर किया कि हम पहली बार मिले? ये भी बताना पड़ेगा क्या? तो मैं कैसे जानूंगा? कॉलेज में तो सुना था कि आप बड़े समझदार हैं। मर गई धन्नो। कल जाते हो जो कुछ तुम समझा गई थी वो सब ठीक है ना? तुमने क्या समझा? यही कि अब हमारी सुलह होगी। बस अब हमारी दोस्ती बनी रहेगी। सिर्फ दोस्ती? हो सकता है ये दोस्ती किसी और चीज में बदल जाए। किस चीज में बताना? प्यार में। तो फिर और क्या मालूम करना चाहते हो? यही रीना कि ये सब मैं सपना तो नहीं देख रहा। तुम सपना तो देख सकते हो, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों? ये खूबसूरत नजारे, ये सावन की घटाएं, सभी तो है हमारे सामने। मेरे लिए तो सारे नजारे छुप चुके हैं। तो फिर तुम्हें दिखाई क्या देगा? किसी की तो आंखें और उन्हें मेरे लिए प्यार। हाँ? किसी की तो आंखें? कहीं वो मेरी तो दो आंखें नहीं, मेरा मतलब है मेरे सिवाय तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना। तेरे होंठों पे रात ये बहाना।
जाना था गोरी तुझको तो आज नहीं आना था तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई मर्जी के खिलाफ ये रिश्ता करने तू जा रही है लेकिन एक बात का ख्याल रखना पहले दिन से ही अपने पति को अपनी मुट्ठी में रखना वरना मेरी तरह तेरी भी मट्टी खराब हो जाएगी लो सुनो मुझसे शादी करके इनकी मिट्टी खराब हो गई और नहीं तो क्या दुल्हन बनकर तो आई मगर जवानी का सुख कभी नसीब नहीं हुआ ठीक कहती हो भगवान दोनों लड़कियां तो बुढ़ापे में ही पैदा की हैं तुमने अरे तुम्हारे भाई बहन चाचा मामा कहाँ तक गिनाऊं 18 शादियां कराई है मैंने नीला मैं तो कहूँ कि शादी होने के बाद फौरन तुम अलग हो जाना नहीं तो ननद देवर जेठानी के दोनों बच्चों की शादियां तुझे ही करनी होगी मगर ये कैसे हो सकता है माँ वो तो अपने घर वालों पे जान देते हैं अरे तू फिक्र मत कर पगली इसका तरीका मैं बताऊंगी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है हाँ यही खेल तो मेरे साथ 21 साल से खेल रही हो बस बस चुप रहो हर बात में अपनी टांग मत अड़ाया करो टांग ही तो रह गई है अब वो भी संभाल कर रखो इनके रहते हुए कोई अकल की बात नहीं हो सकती आ चल मेरे साथ जाओ नीला शकल तो माँ की पाई है अब अकल भी पालो शादी ऐसे थोड़ा ही तय की जाती है पंडित को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाया जाता है माँ कैसी होगी शादी जैसे शादियां होती है मेरा दिल चाहता है कि दुल्हन को डोली में बिठा कर लाया जाए माँ आजकल की दुल्हन डोली में नहीं आती वो तो कार में बैठकर आती है और आना चाहिए चाचा को घोड़े पर है ना चाचा बेटा बनाओ चाचे का मुर्गा
मगर मेहमानों को कहाँ उतारा जाएगा? माँ आजकल सभी लोग रिसेप्शन देते हैं, हम भी रिसेप्शन देंगे ताज होटल में। अरे भाई पहले जिनकी शादी हो रही है उनसे पूछ तो लो किस किस्म की शादी उनको पसंद है। हाँ अगर मुझसे पूछा जाए तो ये सब बातें बेकार है। कौन सी बातें बेकार हैं बेटा? यही लगन मंडप बैंड बाजे डोली फेरे ये सब पुरानी बातें हैं और इन्हीं फजूल बातों की वजह से आज हमारा देश बर्बाद हो रहा है। आजकल तो शादी जितनी सस्ती हो उतना ही अच्छा है। तो आपको कौन सी शादी पसंद होगी? मुझे तो सिविल मैरिज पसंद है, जहाँ लड़का लड़की दो गवाहों के सामने दस्तखत करते हैं शादी हो जाती है, 2 रुपए की फीस और 2 मिनट में शादी। अरे नीला तुम्हें देर हो गई। अच्छा मैं नीला को घर छोड़ के वापस आता हूँ। तू जा राजू। ये लड़की इस घर की बहू बनने के लायक नहीं। क्यों माँ? शादी का इस तरह मजाक बनाना, अपनी शादी के बारे में ऐसी बातें करना। माँ वो हमारा खर्च बचाना चाहती होगी। मगर रस्म और रिवाज समाज इसकी कोई परवाह नहीं। माँ वो नए ख्यालात की पढ़ी लिखी लड़की है, अभी अभी विलायत से आई है, इस घर में आएगी कोई मिल जाएगी। तुम इसकी फिक्र ना करो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप भी दस्तखत कीजिए। अब आप पति पत्नी हैं, शादी मुबारक हो। शादी मुबारक। ओ मामा मामा मामा, घर वाले का है चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना। चले मामा। ओ चाचा चाचा ओ चाचा ओ चाचा 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 राजू गुड डे। चलो बच्चे सोने का टाइम हो गया, चलो। अरे यहाँ नहीं बैठे, माँ तुम्हें नीचे बुला रही है। सोएंगे हम तो तुम्हारे साथ। मतलब ये है कि पहले तुम यही सोते थे लेकिन अब नीला लेकिन बेटे वो सब ठीक है लेकिन अब तुम्हारी चाची आ गई है ना। आ गई चाची तो हुआ क्या, मैं सोऊंगा चाची के साथ। क्या? और मैं सोऊंगी तुम्हारे साथ। नहीं चाचा नहीं, वो गई मिस्टर गुड्डी से। वेरी गुड। गुड्डी सोगी चाची के साथ और मैं सोऊंगा तुम्हारे। लेकिन तुम सो गए दोनों यहीं पर। बिल्कुल। ओह माय गॉड। मसाले किधर रखूं? इसे अभी वहां रख दो, बाद में बताऊंगी। जरा संभाल के ना, संभाल बेवकूफों से पाला पड़ा है। अरे तुमसे कहा ना सारा पुराना फर्नीचर बाहर रख दो, बार बार मुझसे क्यों पूछते हो? बहू नए फर्नीचर में ये पुरानी कुर्सी शायद बुरी लगे मगर ये तुम्हारे ससुर की कुर्सी है, नविंदू को बहुत प्यारी है, उसके सिवा इस पर और कोई नहीं बैठता। वेरी गुड, तो फिर इस कुर्सी को उन्हीं के कमरे में रहने दो। यहाँ तक आकर बैठने की तकलीफ भी ना होगी और फिर इस अनमोल कुर्सी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। खबरदार उस तस्वीर को हाथ लगाया तो चला।
माफ करना भाभी, ये बेवकूफ पिताजी की तस्वीर को उतार रहा। इस बेवकूफ से मैंने ही कहा था। तुमने कहा था? ये जानते हुए कि ये पिताजी की तस्वीर है, तुम्हारे ससुर जी की? हाँ, मेरे ख्याल में आजकल ड्राइंग रूम में बाप दादाओं की तस्वीरें लगाना आउट ऑफ फैशन हो गया है। क्या कहने आपके ख्याल के, आज तस्वीरें आउट ऑफ फैशन हुई, हो सकता है कल बाप दादा भी आउट ऑफ फैशन हो जाए। बिहेव योरसेल्फ। मैं समझती थी तुम शायद कॉलेज में पढ़ते हो। शायद नहीं, यकीनन पढ़ता, लेकिन कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता भाभी कि बुजुर्गों की तस्वीरें कमरों से उतारकर किसी बंदर या घोड़े की तस्वीर लगा दी जाए। तुम अगर मॉडर्न आर्ट समझते तो इन तस्वीरों की तारीफ करते। ऐसा मॉडर्न आर्ट तुम्हें मुबारक हो भाभी, जो बुजुर्गों की याद भी घर में न रहने दे। सत्यन, क्या बात है सत्यन? भैया, पिताजी की तस्वीर भाभी को ड्रॉइंग रूम में पसंद नहीं। ठीक ही तो है। मेरे ख्याल में पिताजी की तस्वीर ड्राइंग रूम के बजाय मेरे कमरे में ज्यादा अच्छी रहेगी, तुम्हारा क्या ख्याल भैया? काम तो तुमने ठीक ही किया है, हॉल का नक्शा ही बदल डाला, अच्छा लग रहा है। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। और मेरा ये ड्रेस? बहुत बकवास। क्यों? अरे आदमी और औरत के कपड़े में कोई फर्क तो होना चाहिए। और फिर जब तुम लड़कियां ये ड्रेस पहन के कॉलेज जाते हो तो लड़के तुम्हारा ड्रेस देखते हैं या अपनी किताबें? इसीलिए हर साल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बहुत तरक्की कर रहा। अच्छा महाराज, बताइए मैं कौन से कपड़े पहनूं? देवी, हिंदुस्तानी औरत हो, सीधी सादी साड़ी पहनो। जो आपकी आज्ञा हो। कौन है? ये क्या है? लो जी, जब हम चूड़ीदार कमीज पहनते थे तो आपकी आंखों में खटकता था, अब सीधी सादी साड़ी पहने हैं तो भी। कुर्बान जाऊं तुम्हारी सादगी पे, ये सीधी सादी साड़ी है। नहीं तो क्या, मेरी माँ भी ऐसी साड़ी पहनती है, मेरी दादी भी और दादी की दादी भी। अच्छा अच्छा, पहनती होंगी, जरूर पहनती होंगी, लेकिन ऐसे ये कजरा, ये गजरा, ये बिंदिया, ये छमछम करती हुई पायल। देखो रीना, मुझे पढ़ने दो, मुझे बोर मत करो प्लीज, तुम जाओ। रीना, ये क्या मजाक है? देखो रीना, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, तुम यहां से जाओ। Finish! ये क्या कर रही हो तुम? ये लश्कारा? लश्कारा? ये क्या चमका रही हो? अब कुछ नहीं चमकेगा, समझी? ओ रीना, ये क्या मजाक है? बिंदिया चमकेगी, चूड़ी थनकेगी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी थनकेगी, तेरी नींद उड़े ते उड़ जाए, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा।
मत लगाया करो, कहीं बिगड़ गया तो। राजू ने कहा था कि चलो रेडियो बजाएं। रेडियो बजाना आता भी है? ए राजू के बच्चे, क्यों कहा था इसे? मालूम था क्या मुझे, सत्ता है बिगड़। आहा, बातें तो बड़ी दादों के जैसे करता है। घर में कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि दूसरों की चीजों को उनसे पूछे बगैर नहीं छुआ करते। चलो भागो यहाँ से। माफ करना भाभी, ये बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं, इस घर में कोई भी चीज आए उस पर सभी का हक होता है। इन्हें ये नहीं मालूम था ये चीजें तुम्हारी हैं, सिर्फ तुम्हारी। बहुत हो, तो इन्हें ये क्यों नहीं सिखाया? ये रेडियोग्राम जितना कीमती है उतना नाजुक भी, थोड़ी सी गलती से बिगड़ भी सकता है। गलती मेरी थी, मैं स्केच बनाने में इतना खो गया था मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन आइंदा ऐसे नहीं होगा, मैंने रेडियो चलाना खुद सिखा दूंगा। तुम सिखा दोगे? तुम्हें तो इतना भी नहीं मालूम कि ये सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। ठीक कहा भाभी, सोफा बैठने के लिए होता है, खास करके ये सोफा तुम्हारा। मॉडर्न फर्नीचर मॉडर्न लोगों के लिए होता। मॉडर्न सेंस की बात सुन लो, वो फर्नीचर तुम्हारी मालदार बीवी के मालदार बाप ने हमारे लिए नहीं अपनी बेटी के लिए भेजा था। क्या मेरी बीवी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? अगर लगती तो शाम को मुझे बार बार ये ना कहती, फर्नीचर मेरा है, मेरी इजाजत के बगैर मेरे फर्नीचर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। झूठ बोलने की भी हद होती है, ये सब मैंने कब कहा था? बड़े घर की लड़कियों की याददाश्त भी बड़ी कमजोर होती है, शाम की बात रात को भूल जाती है। बात करने का अंदाज देखा आपने? ये तो आजकल आपका अंदाज देख। सत्यन, मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर नीरा ने तुम्हें कुछ कहा भी है तो वो तुमसे बड़ी है, तुम्हें से माफी मांगनी चाहिए। भैया अगर मेरी गलती हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है सत्यन? बच्चे रेडियो खराब कर रहे थे, नीरा ने उन्हें मना किया तो इसने सारा फर्नीचर हमारे कमरे में ठोस दिया। अब नीरा से माफी मांगने की बजाय उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्यों सत्यन, भाभी से माफी मांगने में शर्म महसूस हो रही है क्या? माफी मांगने की बात नहीं है भैया, लेकिन जो औरत अपने आप को हर बात में घर वालों से ऊंचा समझे, अच्छा समझे, वो तो बहू या भाभी बनने के लायक ही नहीं। सत्य, हद से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ नीला से माफी मांगो। माफी तो इसे मांगनी चाहिए मुझसे, अपमान इसने किया है मेरा। किसने किसका अपमान किया है ये मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुझे नीला से माफी मांगनी होगी। भैया आप इसे खुश रखने के लिए इसकी हर बात को माफ कर देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा सर पर चढ़ाने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये मुझे तुझसे नहीं सीखना है। लेकिन भैया इसकी खुद गर्जी, इसकी तंग दिली से ऐसे लगता है इसका गुजर इस घर में नहीं होगा। तमीज, माफी मांग लो ना। ये तुम कह रही हो भाभी, तुम तो जानती हो मेरा दोष नहीं। दोषी या निर्दोष, छोटे हो और छोटों का बड़ों से माफी मांगना कभी बुरा नहीं। जाओ नीला से माफी मांग लो। मुझे माफ कर दो भाई। नवेंदु माफ करना माँ, आज पहली बार मैंने सत्यन का हाथ उठाया है।
न जाने जब से लीला इस घर में आई है इस घर की शांति को क्या हो गया है। कुछ भी हो माँ, अब तो इस घर की बहू है ना। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि उसकी हर गलती पर पर्दा डाला जाए। मैं कहती हूँ अगर इस चिंगारी को अभी से दबाया ना गया तो ये आग बनकर सारे घर को जला डालेगी। क्या हम अलग नहीं रह सकते? क्या मेरा मतलब आजकल शादी के बाद सभी अलग रह जाते हैं। तुम भी एक छोटा सा फ्लैट ले लो जहाँ हम दोनों के सिवा और कोई न हो। यहाँ भी तो हम दोनों के सिवा कोई नहीं। नहीं बिचू, अपना घर तो अपना घर होता है। जरा सोचो तो, यहाँ न कोई पर्दा न कोई आजादी। इस वक्त भी छोटा बड़ा कोई भी हमारे कमरे में आ सकता है। मुझे तो कपड़े बदलते हुए भी डर लगता है। दरवाजे क्यों नहीं बंद कर लेते? छिपचू, ऐसा अच्छा नहीं लगता। वो लोग क्या सोचेंगे? छोड़ो भी ना इन फिजूल बातों को। आज की रात ऐसी बातों के लिए नहीं है। नहीं बिजू, तुम हमेशा इस बात को टाल देते हो। कौन सी बात? नए मकान में जाने की। अच्छा बाबा, जैसा तुम चाहती हो वैसे हो। कौन? मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन है? अच्छा जी, बोलो जी, बोलो, अब हम कौन हो गए? अरे भाई बैठूंगा नहीं तो क्या करूंगा। सोचा बहुत दिन हो गए तुम्हें याद दिलाऊं। अरे सेठ, मुझे सब याद है। अरे भाई, तुम्हारे याद रखने से क्या होगा? अब तो देखो बिजू की शादी भी हो गई और भगवान ने चाहा हम बोलो जी बोलो कुछ दिनों में छोकरा भी हो जाएगा। सेठ कालिदास, तेरे मुंह में घी चक्कर। निबंधो बाबू, तुमने मेरा मुंह तो भर दिया। अब जेब कब भरोगे? देखो भैया, मैं छोटी छोटी बातों में कचहरी का दरवाजा नहीं खटका रहा। कचहरी कचहरी लगा रखी है सेठ कालिदास, बड़े अफसोस की बात है। तो बोलो बोलो, कब तक ठहरूं? अरे कब तक क्या, दो मिनट ठहरो, मैं भी आता हूं। सत्ता जी, बिजू बड़े भैया, आओ भैया। आज 3 तारीख हो गई बिजू, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली? तनख्वाह तो मिल गई है, मगर मैंने सोचा इनकी तनख्वाह मेरे पास रहे तो अच्छा है। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। पति की कमाई पर पहला अधिकार तो पत्नी का होता है। वैसे तो हम दोनों के खाने पीने और रहने का हिसाब बनता है 300 रुपए। इसके अलावा भी अगर आपको पैसों की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लीजिएगा। क्यों नहीं, तुम्हें से तो कहना होगा। सेठ जी, मुझे बड़ा अफसोस है, इस महीने में आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्या? लेकिन अगले महीने कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा, इसका मैं वादा करता हूं। देखो जी, मुझे तुम्हारे वादे की नहीं अपनी रकम की जरूरत है। अगर अगले महीने मुझे मेरी किस्त नहीं मिली तो समझ लेना। हाँ आया। अरे आया आया, थांबा थांबा। ये नीला का घर है ना? जी नहीं। तो फिर किसका घर है? इस घर के मालिक का नाम है नविंदु प्रसाद गुप्ता। देखो, तुम जानते हो नीला कहाँ रहती है? वो यही रहती है। तो तुम कौन हो? आदमी। वो हम भी देख रहे हैं तुम आदमी हो, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ खड़ा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। तुम हो कौन? मुझे नौकर समझ लीजिए। तो फिर जाओ और नीला से कहो कि उसके मेहमान आ गए हैं। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। हेलो नीला। हेलो, हाय मीना। हाय सुषमा। हाय गीता। अरे बैठो। मैं आपके मेहमानों के लिए कुछ चाय पानी लाऊं? ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच, जल्दी करना। अरे खाओ ना, खाओ। मैं तो पिक्चर नहीं देख सकी, मेरे घर में इतने मेहमान आए थे, मैं तो बिल्कुल तैयार थी, मुझे तो इतना गुस्सा आया। ये सब चीजें तुमने बनाई है जी? क्यों, पसंद नहीं आया आपको? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। तो फिर और लीजिए ना। खाना कब से बना रही हो तुम?
कोई 15-20 साल से। चाय तैयार हो तो भिजवा देना। इससे पहले कहाँ नौकर थी जी? पहले किस घर में काम करती थी? मैं तो शुरू से इसी घर में काम करती थी। गीता बुला रही। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम? इससे पहले तुम कहाँ काम करती थी? What? अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? What do you mean? I mean what I say. Satyan. अच्छी सहेलियाँ तुम्हारी, बात करने की तमीज तक नहीं। तुम कौन होते हो हमें तमीज सिखाने वाले? ए मैम साहब, जिंदगी में मोम की गुड़िया बन जाने से कुछ नहीं होता। दूसरों के घरों में जाकर किस तरह से बातचीत करनी चाहिए ये भी जानना जरूरी है। Oh, you shut up. अरे you shut up. God. And get out. सत्यन, ये मत भूलो कि ये मेरी सहेलियां हैं। इसलिए तो जुबान से काम ले रहा हूँ। और सुनो, तुम्हारी सहेलियों को भी कोई हक नहीं है कि वो मेरी भाभी को कुक समझो और मेरी बहन को नौकरानी। मैं कहता हूँ इनको कह दो कि यहाँ से निकल जाए। वालीला, घर में बुलवा कर खूब गालियां खिलवाई। अच्छी खातिर थी हमारी। ओह माय गॉड, अगर खातिरदारी में कुछ कमी रह गई हो तो पूरी कर दो। सत्यन, अगर ये गई तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। बाय चांस दरवाजा खुला। चाहे तो सही, मैंने उनके छक्के ना छुड़ा दिए तो मेरा भी नाम बदल देना। लो, एक और नई मुसीबत आ गई। तुमने मुझसे कुछ कहा? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। मैं एक वक्त पर एक ही दुश्मन का मुकाबला करता हूँ। क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? अरे भगवान, मैं तो शतरंज की इन मोहरों के बारे में कह रहा था। कौन? बिजू, देखो मैं नीला की माँ हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ हाँ, फौरन, अभी, इसी वक्त। नीला, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा बेटी। सत्यन की गलती का फायदा उठाओ और उस परिवार के जंजाल से निकल भागो। लगता है बेचारे नवेंदु की कुंडली में इस साल राहु केतु दोनों आ बैठे हैं। रीना की माँ, नीला के घर में तुम्हारा दखल देना अच्छा नहीं। तुम चुप रहो जी, तुम्हें कितनी बार समझाया है, घर की बातों में दखल मत दिया करो। मैं अपने घर की बात कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो नवेंदु के घर की बात कह रहा था। तुम सिर्फ शतरंज के घर देखो। नीला बेटी, मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊंगी कि तुम भी याद करोगे। आओ मेरे साथ आओ। अब जाने तो क्यों ना दीदी, छोटी मोटी बातों को क्यों बढ़ाती है? अरे वाह, जिसके मालिक के कमाई पर सारा कुनबा पलता है उसे मेहमानों समेत घर से बाहर निकाल दिया और तू कहती छोटी मोटी बात है? इसमें दीदी का भी तो कसूर होगा, कब से दीदी उनके पीछे पड़ी हुई है। तू उनकी वकालत मत कर। नीला बेटी, मैं उन्हें सीधा करने का उपाय करती हूँ, आओ मेरे साथ। मुझे भी तो बताती जाओ, तुम्हें कैसे सीधा करना चाहिए? बहू, नवेंदु क्या कर रहा है? वही अपने हिसाब किताब में लगे हुए और क्या। अरे बिजू, तुम लोग अब लौटे हो? हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम आओ और खाना शुरू करें। आओ बैठो, आओ ना बहू, खाना शुरू कर ले। खाना तो क्या, मेरे लिए इस घर का पानी तक पीना हराम है। नहीं बहू, ऐसा नहीं कहती। मैं जानती हूँ सत्यन की बात का तुम्हें बुरा लगा, उसके लिए मैं माफी मांग लेती हूँ। नीला, आज जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने अपनी सहेलियों से माधवी और गीता का ठीक तरह परिचय क्यों नहीं करवाया? तो रहने दीजिए ना मां जी, बात बढ़ाने से क्या फायदा। जब मुझे कोई शिकायत नहीं तो आप क्यों बुरा मानती हैं? नीलू, थूक दो ना गुस्सा, घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। रहने दो ये हमदर्दी, खुद ही आग लगाती हो और खुद ही पानी छिड़कती हो। नीला, नीला सोच समझ कर बात करो, माधवी इस घर की बड़ी बहू है। और मैं तो इस घर की जैसे कुछ भी नहीं। नहीं नीला, तुम भी तो इस घर की बहू हो। नहीं, इस घर की बहू तो वही हो सकती है जो सास के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच सके। मैं पढ़ी लिखी हूँ, माँ और बाप की बेटी हूँ, सोसाइटी में इज्जत रखती हूँ, इसीलिए घर के सब मुझसे जलते हैं, नफरत करते हैं। नीला, नफरत तुझसे नहीं, तेरी जहरीली बातों से करते हैं। तू जरा सोच, तूने गीता को कभी अपने पास बिठाया, सत्यन से दो मीठे बोल बोले, बच्चों को कभी प्यार से गले लगाया? तू कहती है तुझे इस घर में किसी ने बहू नहीं समझा,
मैं पूछती हूँ, तूने बहू के नाते कभी माधवी को या मुझे वो इज्जत दी जो तुझे देनी चाहिए थी? इज्जत उन्हीं की होती है जो दूसरों को इज्जत देते हैं, उनकी नहीं जो दूसरों को सले समझते हैं। मैं कहती हूँ चुप हो जा, चुप हो जा नीला। क्यों चुप हो जाऊं? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो बेजुबान जानवरों की तरह हर जुर्म बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना माधवी का। अगर माधवी जैसे गुण तुझ में होते तो ये दिन ही क्यों देखना पड़ता? ऐसे कौन से गुण है इस गुणवंती में, जरा मैं भी तो सुनूं। तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाना, दिन रात तुम्हारी खुशामत करना, तुम्हारे पैर दबाना, यही ना? जुबान रोक लो नीला, अगर तुम्हें छोटों का पास नहीं है, बड़ों का तो ख्याल करो। जब बड़ों के दिल में छोटों के लिए प्यार ना हो, दया ना हो, तो छोटों के दिल में उनके लिए इज्जत कहाँ से आएगी? नीला, लोग कहते हैं कि सास माँ की जगह होती है, मगर मैं कहती हूँ कि दुनिया की हर सास बहू की दुश्मन होती है, उनका खून की प्यासी होती है। नीला बंद करो ये बकवास, तुम्हारी बातें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी। तुमने इस घर में हर किसी का अपमान किया, मेरा, मेरे बीवी बच्चों का, मेरे भाई बहनों का, लेकिन मैं चुप। लेकिन आज तुमने मां का अपमान किया है और ये बात मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे बढ़ो और माँ के पैर छूकर अपनी बदतमीजी की माफी मांगो। माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं की मैंने। तुमने बहुत बड़ी बात की है नीला, इतनी बड़ी बात इस घर में पहले कभी नहीं। माँ से माफी मांगो। नहीं, कभी नहीं। नीला, आदमी वही होता है जिसे अपनी भूल का एहसास हो, और तुमने जो भूल की है उसका एक ही प्रायश्चित है, माँ के पांव पड़ो, उससे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। नीला जाने दो भैया, बात बहुत बढ़ जाएगी। तुम बीच में ना बोला। बिजू, तुम नीला को समझाओ, उसे कहो माँ से माफी मांगे। मेरे ख्याल में ये जरूरी नहीं है भैया। क्या कहा? नीला ने जो कुछ कहा है सच कहा है, और सच कहना कोई जुर्म नहीं। तुम नीला की तरफदारी कर रहे हो? मैं इसका पति हूँ, सारे घर वाले इसे आंखें फिर सकते हैं, मैं नहीं। बिजू आगे तो तुमने फिर सकते हैं। अच्छा बिजू, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो, या तो तुम दोनों माँ से माफी मांगो, या फिर हमेशा हमेशा के लिए साथ से निकल। ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ, माँ का अपमान करने वाला एक पल के लिए इस घर में नहीं रह सकता, चाहे मेरा भाई ही क्यों ना। सोच लिया। अगर तुम नीला को मां से बढ़कर समझते हो तो तुम भी इसके साथ जा सकते हो। निकल जा। क्षमा कर दो मां, मैंने पिताजी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं। नहीं बेटे, तुमने क्या नहीं किया? जिस तरह तुमने इन लोगों का साथ निभाया है, उस तरह तो लोग अपनी औलाद का भी साथ नहीं देते। आपने मुझे याद फरमाया? बैठिए मिस्टर। थैंक यू। ये लीजिए। ठीक है, नोटिस और एक महीने की तनख्वाह। नोटिस और प्रोविडेंट फंड आपको बाद में मिल जाएगा। लेकिन मैनेजर साहब आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो 22 बरस से इस कंपनी की खिदमत की है। आई एम सॉरी मिस्टर गुप्ता, कंपनी के हालात बहुत खराब है और लोगों को भी जवाब दिया जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बेटा बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। सुबह से सर में थोड़ा दर्द है। दिन रात काम करेगा तो सर में दर्द नहीं होगा क्या? आप कोट उतार लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। ओए नविंदू भैया, तुम घर में बैठे हो? क्यों, मुझे हर वक्त घर से बाहर होना चाहिए क्या? तुमको तो उधर होना चाहिए। उधर कहाँ?
बीचू का घर में। क्यों भाई जी, आपको मालूम नहीं है बीचू का बहुत तरक्की हो गया, वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। सच? हाँ, कंपनी का जनरल मैनेजर। मगर तुम्हें किसने कहा? भाई जी, बीजू का ड्राइवर है ना, उसके दोस्त ने हमको बताया। कितने खुशी की बात है माँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी तरक्की हो गई हो। मुबारक हो, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा ओहदा भला किसे मिलता है? किसी को नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। माँ जी, आज तो उसका घर में बहुत बड़ा दावत है, मुर्गी पुलाव मटन बिरयानी। ओए, हम इधर क्या करते, चलो तो जाके हमें उसकी खुशी में जरूर शामिल करना चाहिए। चलो माँ। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम्हें उसने बुलाया क्या? घर वालों को भी क्या बुलावे भेजने की जरूरत होती है? जरा सोचो तो सही, आज नई नई उसकी तरक्की हुई है, उसे किसी बात की होश भी कहाँ होगी। मगर जिसके कांधों पर बैठकर वो यहां तक पहुंचा, उसे तो बुलाना चाहिए था। माँ जी ठीक तो कहते हैं, अरे बगैर बुलाए तो आदमी खुदा के घर भी नहीं जाता। तुम भी अजीब आदमी हो खान, कभी कुछ कभी कुछ। जरा सोचो तो सही, अगर मैं मुबारक देने के लिए नहीं पहुंचा तो बिजू क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी? तुम लोग नहीं चलते ना चलो, मैं तो चलता हूं। अजीब आदमी है ये भी। खान बेटा, तुम भी उनके पीछे जाओ, आज महिंदू की तबीयत भी ठीक नहीं है। फिक्र मत करो माँ जी, हम जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। ए, तुम किधर जाता रे? तुम्हारे साहब से मिलना है। साहब? साहब आज नहीं मिल सकता रे। मुझे उनसे सिर्फ एक मिनट का काम है। कैसा आदमी मैं बोला ना, साहब आज नहीं मिल सकता। क्या बात है जान? फिर इसको साहब से मिलने को मांगता बोलो। अरे किधर जा रहे? देखो भाई। क्या बात है भाई? तुम यहाँ काम करते हो? हाँ, मैं साहब का खास बह रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? क्या काम है? साहब से कहो नवेंदु मिलने आया है। भाई आज घर में बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, साहब आज बिल्कुल ही नहीं मिल सकते। कोशिश तो करो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। अच्छा आप ऐसा कहते, आप यहाँ बैठे रहिए, मैं वापस आऊंगा तो साहब से कह दूंगा। अब तुम कुर्सी पर बैठ गया, चलो बैठ आप। अरे भाई तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हारे साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। जा रहे जितना मांगने वाला था सो साहब को जानता। चल रहे, मेहरबानी कर रहे हैं। कबूतर का बच्चा क्या बोलते तुम? तू कौन है रे? ओफ तकदम, अगर हमारा एक हाथ तुमको पड़ गया तो तुम्हारा अपना बाप तुमको नहीं पहचान सकेगा। हाँ भैया, तुम यहाँ कैसे? भैया क्या करो, इधर बहुत देर से करा तुम्हारा तमाशा। तू कैसा आदमी है रे? और तुम कैसा आदमी है? पहले आदमी को अपने घर से बाहर निकालते हैं, फिर तुम उसका नाम पूछते हैं, ये कौन से मुल्क का दस्तूर है? अरे पर तुम है कौन? हम तुम्हारा साहब का दादा है और ये तुम्हारा साहब का बाप है। जाओ उसके जाकर बोलो तुम्हारा दादा और बाप दोनों आए। जाओ। मेम साहब, मेम साहब एक मिनट। क्या बात है? एक मिनट मेम साहब। एक्सक्यूज मी प्लीज। बाहर दो आदमी खड़े लाए, वो बोलता है हम तुम्हारे साहब का बाप और दादा है। क्या बकते हो? हम ठीक बोलता है। वो देखो उधर ही खड़े लाए। जॉन, उनसे कह दो कल आए। देखो रे, मेम साहब बोला तुम कल आ रहे। अरे भाई तुम उनसे कहो हम सिर्फ मुबारकबाद देने आए हैं। ओहो, हम साहब का सर्विस करेगा कि तुम्हारा नौकरी करेगा रे? ओ चिड़ी मार का बच्चा, तुम फिर ज्यादा बोलने लगा। तो रो स्लो बोलो रे, दुम का एको पाड़ता। तो बोलो जो। मेम साहब वो लोग बोलता हम लोग मुबारकबाद देने को आया रे। ठीक है, उनसे कह दो कि उनकी मुबारकबाद मिल गई। देखो रे, मेन साहब बोला मुबारकबाद मिल गया रे, तुम दोनों जा रहे। कहां से? यार हमसे तुम्हारा बेइज्जती नहीं देखा जाता है, हम जाता उस गधे पाजी को पकड़ कर तुम्हारे पांव मिला के डालते हैं। छोटी सी बात पे झगड़ा करने से क्या, हम कल चले। और चले। आपके बजाय तुम्हारा चोरी प्लीज कर।
देखा खान, बीजू के पास कितने बड़े बड़े लोग आने शुरू हो गए हैं। वो जरूर कोई राजकुमारी होगी। वो तो ठीक है यार, मगर जब बीजू बाहर आया तब तुम उसको आवाज क्यों नहीं दिया? मैं उसको आवाज देता, वो जरूर मेरे पास आता, मेरे पांव छूता, मेरे गले लग जाता। तो फिर आवाज देना था ना तुमको। लेकिन इतने लोगों के सामने ऐसा करना अच्छा लगता? क्यों? उसकी शान ना कम हो जाती, लोग उसकी हंसी ना उड़ाते। खान तुम अभी तक उस पर, तुम कौन सा मिट्टी का बना हुआ है यार? गरम। भाई से मिला है बेटा? हाँ माँ। बैठो खान बेटा। मैं क्या कह रही थी? कहता क्या, मुझे देखते ही मेरे पैर पड़ गया और मैंने उठा के गले लगा लिया और इतना अच्छा पेश आया वो हमारे साथ, क्यों खान? मुझे तो ये डर था कहीं वो तुझे पहचान नहीं से इनकार न कर दे। ये कैसे हो सकता था माँ, वो तो मेरे मना करते करते मुझे अंदर घसीट कर ले गया और वहाँ सबसे मुझे मिलवाया। इतने बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, क्यों खान? हाँ, बहुत बड़ा बड़ा झूठ, मेरा मतलब है बहुत बड़े बड़े लोगों से हमको मिलवाए। और क्या कहा उसने? और माँ मुझे अकेला देखकर तो वो बहुत सख्त नाराज हुआ, कहने लगा घर वालों को भी दावत देने की जरूरत होती है। क्या बताऊं माँ, खुशी खुशी में मैं इतना खा गया। क्यों खान? माँ इतना खाया कि अब चार दिन तक कोई भूख ही नहीं लगेगा। और बच्चों के लिए कुछ नहीं भिजवाया? बच्चों के लिए क्यों नहीं, मिठाई, केक, पेस्ट्री और गोल गोल कचौड़ियां, समोसे और वो क्या क्या चीजें। कहाँ सब चीजें? यही तो है खान, वो टोकरी मैंने बस में तुम्हें नहीं दी थी? बस में हम लोग तो चल के चलता बस में माया था वो टोकरी उधर ही। तो फिर कहाँ है वो? बस में छोड़। क्या करते हो खान, वो चीज बस में छोड़ने लायक थी? तुम अजीब बात करते हो। अच्छा यार, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, बच्चे नाराज हो जाएंगे। कमाल का आदमी है। अच्छा माधवी, कुछ गड़बड़ मालूम होती है, मैं देखती हूँ। मैं आपके साथों के जीती हूँ, मुझसे छुपाओगे? क्या बताऊ माधवी, क्या तुम सुन न सकोगे? भगवान के लिए बताओ क्या बात है माधवी। आज से मेरी नौकरी चली गई। बस इतनी सी बात? मैं समझी ना जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, इधर की जमीन उधर हो गई। और तो क्या कह रही हो माधवी, नौकरी जाना कोई मामूली बात है? जरा सोचो तो सही, अब कैसे चलेगा? इतने साल कैसे चलता रहा? जानते हो जब पिताजी गुजरे थे तुम पर कितना बोझ था, सत्य, बिज्जू, गीता सभी छोटे छोटे थे। अब क्या फिक्र है, अब तो सब जवान हो गए हैं। वो तो ठीक है माधवी, लेकिन मैं अब जवान नहीं रहा। मेरे हाथ पैर थक गए हैं, मेरी कमर टूट गई है। सच बताओ, अगर मैं जो घर छोड़कर ना जाता तो क्या तुम यूं हिम्मत हार कर बैठ जाते? जब तक हाथ पैर चलते काम ना करते। वो तो ठीक है मगर जानती हूँ अब तुम थक गए हो। ठीक भी तो है, इतने साल तुम अकेले काम करते रहे और हम सब खाते पहनते रहे। अब थोड़ी देर के लिए ये बोझ मुझे उठा लेने दो। अदवी, मेरे जीवन में बहुत सी अग्नि परीक्षाएं आई,
लेकिन तुमने उसकी आंच मुझ तक कभी नहीं पहुंचने दी। और अब भी नहीं पहुंचने दूंगा, लेकिन आज ही मां को इसका पता ना चले। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्यों? मैं जानती हूं तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ मेरी बहन की वजह से हुआ है। समझ में नहीं आता क्या करूं। क्या विजू भैया के जाने से इतने परेशान हो? नहीं रीना, भैया की नौकरी चली गई है। सारी मुसीबतें एक साथ नहीं आती, उन्हें दूसरी नौकरी मिल जाएगी। इस उम्र में भैया को दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती, उनकी आंखें भी कमजोर हो गई, और फिर इस उम्र में काम कराना भी तो जुल्म है। मेरा जी चाहता है ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कहीं मजदूरी कर लूं, हमाली कर लूं, लेकिन भैया को काम न करने दूं। तुम्हारी पढ़ाई से उन्हें और मदद मिलेगी, तुम उनकी ज्यादा मदद कर सकोगे। पढ़ाई के लिए वक्त कहाँ है रीना? बीजू के जाने के बाद काली बाबू अपने कर्जे के लिए जोर देंगे, और उस तरफ माँ बीजू का सदमा शायद ही बर्दाश्त कर सके। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। मैं तुम्हें पढ़ाई छोड़ने नहीं दूंगी। माँ जी बोलो जी बोलो, मैंने तो निबंधु से पहले ही कहा था कि भैया कर्जा लेते हो तो जरा सोच लो। हाँ भैया, किसे मालूम था हालात यूं बदल जाएंगे। गीता काफी जवान हो चुकी है। आप कुछ कह रहे थे काली बाबू? मैं ये कह रहा था कि बोलो जी बोलो, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं मगर बीजू के पास तो बहुत कुछ है। उससे क्या होता है? क्या नहीं होता, कर्जा तुमने इस मकान पर लिया था और ये मकान तुम तीनों भाइयों की सांझी जायदाद है। कानून की रूह से कर्जा मैं तुमसे, सत्यन से, बीजू से भी वसूल कर सकता हूँ, और बोलो जी बोलो किसी एक से भी। ऐसा हो सकता है? बोलो जी बोलो, क्यों नहीं हो सकता, वर्षों से होता चला आ रहा है। बीजू के पास पैसा है, वो कर्जा चुका सकता है, और फिर कर्जा लिया भी तो उसी के लिए था। काली बाबू ठीक ही तो कहते हैं, इन्हें विजू से रुपया वसूल करने दो। नहीं माँ, ऐसा मैं हरगिज हरगिज नहीं कर सकता। तो फिर क्या करोगे? जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा, जरूरत पड़ी तो अपने आप को बेच डालूंगा। बोलो जी बोलो, तुम्हारे बिकने से मेरा पैसा तो नहीं मिल जाएगा? देखो ना बिंदु, मैं दोस्ती की जबान में समझा चुका, अब कानून की जबान में समझाना होगा। ऐसा ना कहो भैया। बोलो जी बोलो, अब तो ऐसा ही होगा। मैं एक हफ्ते की मोहलत और देता हूँ, इस बीच में अगर आपने मेरे पैसे का इंतजाम नहीं किया तो ये मकान नीलाम होकर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हेलो सत्यन, क्या बात है आज हमारी आपका ख्याल? तुम इस काबिल कहां हो कि तुम्हें कोई याद करे? तो फिर मेरे घर क्यों आए हो? मेरा तो जूता भी यहाँ नहीं आता, भाभी ने जबरदस्ती भेजा। मुझे गालियां देने के लिए? तुम्हें गालियां देकर अपना मुंह कौन खराब करेगा? मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ माँ की तबीयत ठीक नहीं। I see. अच्छा, तो आप देख भी सकती? पहले से कहीं ज्यादा तेज और ज्यादा साफ। काश नजर की तरह दिल भी साफ होता। जिनका दिल मैला होता है उन्हें हर बात मैली नजर आती है। मैं भी तो यही कहना चाहता था। अच्छा हुआ तुमने कह दिया, चलता हूँ, भैया से कह देना। सुनो, माँ के इलाज के लिए रुपए नहीं चाहिए क्या? जो चीज माँ को चाहिए वो शायद इस घर से नहीं मिल सकती। ऐसी क्या चीज है वो? बेटे का प्यार, बहू का पर्स। I'm
समझ के पांव रखे समझा दो हर दीवाने को समझा दो हर दीवाने को एक रास्ता मंदिर को जाए एक जाए के साथ क्लब को गए लाए आपका वास्ते एक लिफाफा भेज रहा है लिफाफा क्या है इसमें क्या है मुझे ने रुपए भेजे हैं शायद मां के इलाज के लिए ये लो और अपने साहब को वापस दे देना उनसे कहना मां को बेटे की जरूरत है रुपयों की नहीं सलाम साहब हाँ कमाल हो गया जादू क्या हुआ माँ आदमी के कर्म अच्छे हो भगवान आप मदद करता मगर हुआ क्या 500 रुपए का मनी ऑर्डर आया माँ 500 रुपए का कहाँ से आया किसने भेजा समझ में नहीं आता ये पैसे कौन भेज सकता लेकिन कुछ भी हो माँ इस वक्त ये पैसे भेजने वाला हमारे लिए तो फरिश्ता है फरिश्ता मैं समझ गई जरा खान को तो बुला ला वो खान को बुलाने का क्या जरूरत है माँ ने आवाज किया खान हाजिर हो गया जरा हाथ देखो तुम्हारा ओह जी खुदा का कसम आज तो तुम्हारे चेहरे पर रौनक है तेरी इन बातों से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी क्या तो अभी हम क्या किया माँ जी तूने ये 500 रुपए का मनी ऑर्डर क्यों भिजवाया मनी ऑर्डर क्या ये पैसे क्यों भिजवाए पैसा कैसा पैसा माँ जी हम कोई पैसा नहीं भिजवाया मुझे माँ भी कहता है और झूठ भी बोलता है मेरी कसम खा तूने ये पैसे नहीं भिजवाए कसम मत दो माँ जी अपना कसम मत दो तूने ही भिजवाए हैं ये तेरा ही काम है को माँ जी हम 10-12 वर्ष से तुम्हारे पड़ोस में रहता है आज तक हम तुमको अपना कहानी नहीं सुनाया हम 10 वर्ष का था
हमारा मामा के हमारा बाप उससे शादी बनाया। वो माँ हमारा बहुत सख्त था, हमको कमरे में बंद कर देता था, तीन तीन दिन तक खाना नहीं देता था, मारता था। हम तंग आकर अपने मुल्क से भाग आया, दर दर का खाक छान छान इधर आया। इधर आकर हम तुमको देखा माए जी, तुम नविंदु का सतीला माँ है, मगर तुम उसको कितना प्यार करता है। हमारे दिल में भी ये ख्वाहिश है, खुदा आग हमको पैसा देगा तो हम अपने मुल्क जाएगा और अपना माँ का इतना खिदमत करेगा, इतना खिदमत करेगा कि वो गले हमको लगा कर बोलेगा, गुल खान तुम हमारा असली बेटा है, तुम हमारा असली बेटा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन मैंने क्या किया? तुमने बाहर पाए क्यों बचवाए? तो कौन सा पाप किया? घर में बीमारी थी, रुपयों की जरूरत तो हर वक्त पड़ सकती थी। तो फिर उन्होंने रुपए वापस क्यों किए? तुम्हारी भाभी की गज भर लंबी नाक है ना, अगर तुम्हारी कमाई से बीमार माँ का इलाज होता तो उनकी नाक न कट जाती, इसलिए उसने रुपए वापस कर दिए। तुम समझते क्यों नहीं? ये सब तुम्हारे नविंदु भैया की चाल है। उनकी जबान जितनी मीठी है, दिल में उतना ही जहर। जहर? और नहीं तो क्या? वो तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं, लोगों की नजरों से गिराना चाहते हैं। कैसे? दुनिया को ये दिखाकर कि बेकारी और गरीबी की हालत में भी वो अपनी सौतेली माँ, सौतेले भाई और सौतेली बहन को गले से लगाए बैठे हैं। और तुमने दौलत मिलते ही अपने सगों तक को छोड़ दिया, अपने फर्ज को भुला दिया। माँ देखो तो सही कौन आया है। तुम? आखिर तुझे माँ को देखने की फुर्सत मिल ही गई। माँ बीजू तुम्हें लेने आया है। नविंदु, सारी जिंदगी तूने मेरा बोझ उठाया है, चार दिन और नहीं उठा सकता क्या? ऐसा ना कहो माँ, बीजू के घर तुम्हारा बहुत अच्छा इलाज होगा, अच्छी से अच्छी दवाइयां आएंगी, बड़े से बड़े डॉक्टर होंगे, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी माँ। नहीं बेटे, बीजू के घर मिलने वाली जिंदगी से वो मौत ज्यादा अच्छी है जो मुझे तेरी बाहों में मिले। मैं वहां नहीं जाऊंगी। आखिर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? सिर्फ यही ना कि मैं तुम लोगों से अलग रहने लगा हूं, और वो भी नहीं, वो सब कुछ नहीं, मगर तुम जो कुछ अपने देवता स्वरूप भाई के साथ किया उसके लिए जीते जी तो क्या, मैं तुझे मरने के बाद भी माफ नहीं कर सकती। बस बस माँ रहने दो, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है। बस कीजिए नविंदु भैया, जो आग लगनी थी वो तो लग ही चुकी है, अब उस पर पानी छिड़कने से क्या फायदा? बीजू, जिस खून में इतना जहर भरा हुआ हो वो मेरा खून नहीं हो सकता। मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, मगर सच तो यह है कि आज मुझे तुझे बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। चला जा यहां से, दूर हो जा मेरी आंखों से। माँ की बातों को बुरा न मानना बीजू, बीमारी की वजह से वो इतनी कमजोर हो गई हैं कि मर्जी के खिलाफ छोटी सी बात भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि माँ अपने बेटे को भी बर्दाश्त न कर सके। लेकिन बीजू थोड़े दिनों की तो बात है, माँ को अच्छा हो जाने दो, मैं उसे खुद तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, फिर जितने दिन चाहो तुम उसे अपने पास रखना। माँ मेरे पास रहे, मेरे घर में रहे, ये तुम्हें अच्छा लगेगा भैया? क्या मतलब? मैं जानता हूं ये सब कुछ कौन कर रहा है, मेरे खिलाफ मां के कान किसने भरे हैं? तुमने। मां के दिल में नफरत के शोले किसने भड़काए हैं? तुमने। मां के खिलाफ
बेटे को किसने बहकाया है? तुमने। भेजो। ये क्या कह रहे हो? किससे कह रहे हो? जरा सोच समझ के बात करो। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। भैया के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। जिस भाई ने सारी जिंदगी हम लोगों के लिए बर्बाद कर दी, अरे अगर उस भाई को तुम और कुछ नहीं दे सकते हो तो कम से कम झूठे इल्जाम तो ना दो। इल्जाम कैसे? मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। क्या मेरा माँ पर कोई अधिकार नहीं? क्या मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता? जरा अपने गरेबान में मुंह तो डाल के देखो, आज तक तुमने माँ के लिए क्या किया? बीवी क्या मिल गई तुम हम सबको भूल गए? सब कुछ भूल गए? बात बात पर बीवी का ताना क्यों देते हो? शादी की है मैंने, कोई गुनाह तो नहीं किया? इंसान जब गुनाह करता है तो सजा सिर्फ उसी को मिलती है, लेकिन जब वो शादी करता है तो उसका असर सारे घर पर होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। अगर मेरी शादी का असर इस घर पे पूरा पड़ा है तो इसकी जिम्मेदारी घर वालों पे भी तो हो सकती है। लेकिन तुम अपनी कमजोरी छुपाने के लिए घर वालों को दोष क्यों देते हो? सत्यन, रहने दो। इस वक्त बिजू अपने होश में नहीं है। हाँ हाँ, इस वक्त मैं अपने होश में नहीं हूँ। अगर होश में होता तो यहाँ आता ही क्यों? बिजू, इससे पहले कि मैं होश खो बैठूं तुम यहां से चले जाओ। मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग याद रखना, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम आ गए नरेंद्र के बाबू। माँ, मुझे लेने आए हो? अभी आती हूँ। माँ, माँ, भैया। सत्यन? सत्यन नहीं, मैं नरेंद्र। सत्यन, याद रखना, नविंदु ने अपने बच्चों के मुंह करने वाला छीन कर हम सबको खिलाया। माधवी, बहू, जब तू बच्चों को दूध की जगह चाय पिलाती है तो मेरा कलेजा फट जाता है। क्या नविंदु की ऐनक नहीं आई? तो विजू को विलायत में लिख दे, वो नविंदु के लिए एक अच्छी सी अनक ले आएगा। सत्यम, उसकी नौकरी चली गई है, मेरा नविंदु बड़ी आन वाला है, वो अपने बच्चों को भूखा रख सकता है मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। वचन दो सत्यम, वचन दो कि तुम उसके बच्चों को संभालो। सत्यम, वचन दो। माँ, माँ मैं वचन देता हूँ, ऐसे ही होगा। मैं वचन देता हूँ माँ। नविंदु, तू भी कितना बदनसीब है, बाप ने जाते वक्त कुछ भी नहीं दिया और माँ से भी कुछ ना मिल सका। नविंदु, मेरे पास आओ, डरो नहीं, देखो मैं तुम्हारी नई माँ हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करूंगी, तू भी मुझसे प्यार करेगा। नविंदु, नविंदु, नविंदु,
अरे गुड्डी राजू, आज इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए? माँ, भेज दिया टीचर ने वापस। क्यों भेज दिया? हो गई कैंसिल आज हमारी। क्या हुआ? नहीं भरी फीस तुमने, बुलाया हेडमास्टर ने, दी है चिट्ठी और कर दी छुट्टी हमारी। क्या लेने की फीस मम्मी? इसलिए घर भेजते हैं, कल पैसे लेके आना। नहीं तो कल नहीं आना। हाँ कल पैसे भिजवा देंगे तुम्हारे, जा अंदर जा। बोलना नहीं माँ, नहीं तो सब हो जाएगा। घोटाला चला है। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, घर गई थी वहां नहीं थे, कॉलेज में भी नहीं थे, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? ये रीना कि तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्यों? इसलिए कि हमारे रास्ते अलग हैं। मैं जानती हूँ जब तक दुख के दिन बदल नहीं जाते तुम्हारे मन में शादी का ख्याल तक नहीं आ सकता। परसों मेरा जन्मदिन है, तुम आओगे और सबके सामने कहोगे मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। खिजां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। खिजां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। न जाने प्यार में कब मैं जुबां से फिर जाऊं, मैं बन के आंसू खुद अपनी नजर से गिर जाऊं। तेरी कसम है मेरा कोई ऐतबार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। मैं रोज लब पे नहीं एक आह तक ताहूं, मैं रोज एक नए गम की राह तक ताहूं, किसी खुशी का मेरे दिल को इंतजार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार।
करें अमीरों से, बिछड़ गए हैं कई रांझे अपनी हीरों से, किसी को अपने मुकद्दर पे इख्तियार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। ले आई भाभी, दुनिया और उधार देने से इनकार करता है। क्या वो कहता है पहले का उधार तो चुकाते नहीं और हाथ वाला उधार मांगने चले आते हो? क्या माफ की दुकान में मत रखी है उस बलिए की ये हिम्मत, ऐसे दाल का भाव करते करते गालियों पे उतरा, मैं भी देखता हूँ। नहीं सत्यन, उधार लेने वाले गुस्सा नहीं किया करते, जरूरत हमारी है भैया। हम उधार लेते हैं भाभी, भीख नहीं मांगते, 10 पैसे की चीज देता 25 खाते में लिखता। इसी का नाम तो मजबूरी है, वक्त खराब हो तो सब कुछ सहना पड़ता है। जरा शांति से काम ले, देख देख तू जरा छुप जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुझे गीता और विजू को पाल पोस कर बड़ा किया, उसी तरह तू भी उसके बच्चों को संभालेगा। अरे सत्यन बाबू, इतनी सारी किताबें आज ही पढ़ लोगे क्या? पढ़ाई हो चुकी शंकर बाबू, ये किताबें तुम्हारे पास लाया हूँ। सत्यन, ये सब क्या है? फल हैं, सब्जियां हैं, खरीदिएगा। वाह वाह, बड़ा भाई जनरल मैनेजर है और छोटा भाई रास्ते पर सब्जियां बेच रहा है। क्या करें मेम साहब, बड़ा भाई देवता है तो छोटा भाई शैतान भी तो है। ड्राइवर घर चलो। बिजू आओ बैठो, कैसे हो? अब तक तो ठीक हो, लेकिन अब जो होना है वो होकर रहेगा। क्यों, क्या बात? बात तो बहुत छोटी सी है, जब एक जनरल मैनेजर का भाई बंबई की सड़कों पर सब्जी और फल बेचेगा तो बात तो बहुत छोटी सी होगी, मेरी इज्जत होगी, मेरा नाम होगा। शायद सत्यन को इस बात का ख्याल नहीं आया कि सत्यन को बहुत से ख्याल आते हैं, लेकिन किसी भी ख्याल के आने से पहले जीना बहुत जरूरी होता है और जीने के लिए कमाई की जरूरत होती है। लेकिन लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि किसी भी घटिया तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं? ईमानदारी की हर कमाई में इज्जत होती है मेरे भाई। तुमने कभी मेरी भी इज्जत का ख्याल किया? जब मेरे दफ्तर वालों को मालूम होगा कि मेरा ही भाई बाजारों और सड़कों पर सब्जियां फल बेचता फिरता है तो मेरी इज्जत का क्या होगा? माफ करना, मैं भी तुम्हारी तरह मतलबी और खुदगर्ज हो गया हूँ। सत्यन, मेरी समझ में नहीं आता, अगर तुमने कुछ काम करना ही है तो कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? नौकरी में 30 दिनों के बाद पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ हर सुबह हर शाम की जरूरत है। अगर ऐसी बात थी तो मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगी? अरे अगर मांगना ही होता तो सारी दुनिया पड़ी है एक बेशर्म भाई के सामने हाथ क्यों फैलाते? सत्यन,
मैं तो पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, सत्यन और गीता को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, इनकी जिम्मेदारी मुझ पर रहेगी। बेशक अगर ये जाना चाहें तो। भैया भाई तुम आपस में फैसला कर लो। भैया हमारा फैसला भी सुन लीजिए। गीता गीता बीजू भैया हमें लेने आए, हमें वहीं चल के रहना होगा। मेरे सिर्फ दो ही भाई हैं और मैं उन्हीं के साथ रहकर खुश हूँ। सुन लिया? मैंने सोचा था कि धन और दौलत से अभिमान आता है, लेकिन आज देख रहा हूँ कि गरीबी में भी गरूर है। गरीबों के पास यही तो एक पूंजी है जिसे तुम जैसे कभी नहीं छीन सकते। झूठ बोल रहे हो।
सर से बताइए कहां से मिले। सोचा था चाहिए रुपए फीस के लिए, देखा था लोगों को गाकर कमाते हुए, सोचा हम भी गाकर कमा ले। गाना पसंद आया लोगों को, जमा हो गए 15 रुपए। तो इसका मतलब यह है कि तुमने भीख मांगी है? इस घर को क्या हो गया? ऐसा नहीं करते बेटे, भीख नहीं मांगा करते, समझे? हाँ, ऐसा फिर कभी मत करना। लो क्या ये पैसे मां को दे दो, गरीबों में बांट दी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे रुपया नहीं चाहिए, पहले इतना कर्जा हम। अरे कर्जा? अरे मैं तुम्हें कर्जा कहाँ दे रहा हूँ भाई, मैं तो धंधा कर रहा हूँ। देखो है, रुपया इस हाथ दूंगा और इस हाथ लूंगा। आप चाहते क्या? मैं क्या चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल सकती है। रिश्तेदारी? हाँ, मेरे पास रुपया है और तुम्हारे पास लड़की। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब गीता से है। काले बाबू, गीता आपकी पोती के बराबर। अरे तुम मेरी उम्र क्यों देखते हो, भगवान की कसम बोलो जी बोलो, अभी तक साठा पाठा। कमीने निकल जा मेरे घर से। जाता हूँ मगर याद रख, ये बदतमीजी तुम्हें सारे घर को महंगी पड़ेगी। काली बाबू, उस आदमी के पास जाओ जिसको तुमने रुपया उधार दिया। लो बोलो जी, कैसा अंधेर है, उनके पास जाता हूँ तो मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाल देते हैं, तुम्हारे पास आता हूँ तो मुझे उनके पास जाने को बोलते हो। रिज्जू बाबू, ये ना भूलो, तुम लोगों का मकान मेरे पास गिरवी पड़ा है, मैं जब चाहूँ उसे बेच के अपना पैसा वसूल कर सकता हूँ। तो करवाते क्यों नहीं, घर को निलाम करवा दो और अपना पैसा वसूल करवाओ, मेरे पास क्यों आते हो? बस इस वास्ते कि तुम ही कल ना बोलो कि उन लोगों को मेरी वजह से घर से बेघर होना पड़ा। मैं भी यही चाहता हूँ काली बाबू, वो घर से बेघर हो जाए, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाए, सड़कों पर भीख मांगते रहे। जिस भाई ने माँ को अपने बेटे से अलग किया हो उसका यही अंजाम होना चाहिए। लो बोलो, बस अब तो उस घर पे टांच आई कि आई। मेरी साइकिल छोड़ दो, मेरी साइकिल छोड़ दो। ये छोकरे हट जा सामने से। नहीं नहीं, मेरी साइकिल लेके तू तो चलाऊंगा क्या मैं? तुमसे कहा ना हट जा सामने से। ओ हट जा का बच्चा, अगर बच्चा क्यों बारात उठाए तो तुम्हारा एक एक मछली का तस तस टुकड़े बना देगा। चलो साइकिल, तुम दोनों हम खुदाई फौजदार है, हम बोलता है साइकिल चलो। इस घर पे टांच लग चुकी है भाषा है, इस घर की हर चीज काली बाबू की है, यह मकान, ये सामान नीलाम होगा, जो रकम आएगी उससे काली बाबू का कर्जा अदा होगा। सही बात, साइकिल लाने पर रख दो। हर चीज नहीं, ये साइकिल जिससे जाएगा तुम्हारा लाश के ऊपर से जाएगा। बोलता है क्या कर रहे हो, पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस तो क्या सारा फौज आ जाए तुम्हारे, मगर ये साइकिल इस लॉरी में नहीं जाएगा। खान, इन्हें अपना काम करने दो, तुम कानून से नहीं लड़ते। मगर ये कैसा कानून है, वो तुम्हारा सामान ले जा सकता है, तुम्हारा चीज ले जा सकता है, मगर ये बच्चे का साइकिल क्यों लेके जाता है, लेके जाता है ये? बाप मुजरिम हो तो जुर्म का साया औलाद कभी नहीं छोड़ता। ले जाओ भाई ले जाओ, बच्चे का खिलौना भी ले जाओ। गाड़ी जाने दो। नवेंदु भैया, भाभी, गीता, बच्चे लोग, चलो अंदर। चलो चाचा, वो अंदर तो चलो ना तुम, आओ अंदर। भाभी जी उठो ना, आओ नवेंदु भैया आओ। जी,
सी गलती हो गया। अब वो पूजा की जगह पर हमारा खुदा का नाम है, कोई गलत बात तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं खान, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मुझसे शादी करना चाहते हैं ना? शादी? ये सपना तो मैं कब से देख रहा हूँ। ये सपना सच हो सकता है? अरे तेरे मुंह में घी शक्कर, बोल बोल कब का मुहूर्त निकला हूँ? आपको पहले एक वचन देना होगा। अरे वचन? एक क्या, मेरी जान, मुझसे जान मांग ले तो वो भी दे दूँ। बड़े भैया को उनका मकान लौटा दो और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। बस अभीता यहाँ बैठ, अरे तेरा ही घर है, बैठ बैठ बैठ। हाय मैं मर जाऊं तो कितनी सुंदर है गीता, तुझे अपनी बीवी बनाने के सपने में कब से देख रहा हूँ। बस अब तो कल ही हम शादी कर लेंगे। गरीब लड़की का ये सपना तुम कच्चे रह नहीं आता। तुम क्या कहता नारायण को बताओ, ये तुम क्या कहते हैं? तुमको दुनिया में और कोई घर नहीं मिला था, हमारे घर के ऊपर डोका डालते तो कौन? छोड़ दो भैया, अभी तुम अपना शैतान को याद करो, क्योंकि तुम जिस शैतान के पास अब जाते हो फिर तुम वापिस इतनी दुनिया में नहीं आएगा। उठो, देखो जानवर का बच्चा, तुम जिस लड़की का इज्जत लूटते थे वो तुम्हारा जान बचाता है। पकड़ो इसका पैर, सीधा करो इसका। ये हमारी खानदान की इज्जत का सवाल है बहू, घर को नीलाम होने से बचा लो। उस टूटे फूटे घर की चार दीवारी में और चाहे कुछ ना हो, हमारे पुरखों का मान है, उनकी मर्यादा है। ये तुम आज कह रही हो, आज जबकि तुम सड़क पर आ गई हो, लेकिन कल जब तुम घर में थी उस वक्त ये क्यों नहीं सोचा था? और सोचती भी कैसे, कल तो तुम घर की मालकिन थी ना। मैं तो कल भी उस घर की नौकरानी थी और आज भी उस घर की नौकरानी हूँ बहू। तो ठीक है, एक घर की नौकरानी किसी दूसरे घर की नौकरानी भी बन सकती है। इतनी कठोर ना बनो नीला, तुम्हारा भी घर है, भगवान ना करे तुम्हारे घर की ऐसी हालत होती तो। भाभी सोच समझ कर बात करो, मेरी ही छत के नीचे मेरे ही घर का बुरा सोच रही हो। मुझे माफ कर दो नीला, मुझे माफ कर दो, ना जाने मैं क्या क्या कह गई, मैं अपने होश में नहीं हूँ। मेरा सवाल पूरा कर दो, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे पाँव। भाभी क्या कर रही हो? भाभी तुम्हारे ये पाक हाथ इन नापाक पैरों को छूने के लिए नहीं। सत्यन क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूँ, जिस औरत के दिल में ममता नहीं वो बंजर जमीन की तरह बेकार है, नाकारा। सत्यन बिजू भैया आफरीन है तुम्हारी शराफत पर, कल माँ को तुम्हें बेटा कहते हुए शर्म आती थी, आज मुझे तुम्हें भाई कहते हुए शर्म आती है। चुप रहो मेरे भैया, चुप रहो। आज तक चुप ही तो रहा हूँ भाभी, लेकिन अब मुझसे चुप नहीं रह जाता। तो पैसे क्या आ गए इन लोगों के पास कि उस भाई को भूल गए जिसने बाप बनकर बेटे की तरह पाला ही नहीं, इस काबिल किया कि आज ये दुनिया में नजर उठा के जी सके।
कहना क्या चाहते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो, बड़े भैया भूखे प्यासे रहे, उनके मासूम बच्चे बिलकते सिसकते रहे, भाभी सारी जिंदगी अपने आंसू बहाती रही सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी ऊंची तालीम के लिए उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। भैया ने मकान गिरवी रखा, कर्जा लिया, लेकिन उस रकम में से अपने घर के लिए मुट्ठी भर अनाज तक ना खरीदा ताकि तुम भूखे ना रहो। सारी जिंदगी सैकड़ों पायबंद लगी एक धोती में गुजार दी ताकि तुम कीमती सूट पहन सको। बस करो, बस करो मेरे भैया। अभी तो बहुत कुछ कहना है भाभी, बहुत कुछ। आज जबकि बड़े भैया की हड्डियों में वो बल ना रहा, उनकी आंखों में वो रोशनी ना रही, तो तुमने उन्हें छोड़ दिया ताकि वो एड़ियां रगड़ते रगड़ते सड़क पर दम तोड़ दे। अरे लानत है तुम पर। बंद कर ये बकवास। ये बकवास नहीं है, ये सच है, कड़वा सच। सत्यन भैया, तुम अपने सौतेले भाई के लिए अपने भाई चला रहे हो। अरे कौन सौतेला और कौन सगा ये मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम जैसी औरतें बार बार मिल सकती हैं। सत्यन चुप करो सत्यन। लेकिन राम जैसा भाई और सीता जैसी भाभी सिर्फ एक ही जन्म में मिलते हैं। बस करो सत्यन, तुम्हें मेरी सौगंध, चुप करो। अच्छा भाभी चलो, जिस घर के मर्द औरत के गुलाम हो उस घर में सांस लेना भी पाप है। मुझे औरत का गुलाम कहते हैं, शर्म नहीं आती? चलो भाभी। इस तरह भाभी तुम यहीं ठहरो, मैं जन मुरीद का हिसाब चुका कर आता हूं। मुझे जन मुरीद कहता है? अगर मर्द होते तो पीछे से वार ना करते, ये हुई ना मर्दों वाली बात। दरवाजा खोल सकते? अरे भाई बसात उठाते मैं तुम्हें शर्म नहीं आती? जरा बात अच्छी तरह प्लीज। नर्स पुट हिम ऑन ऑक्सीजन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरा भैया बच जाएगा ना? देखिए उसकी हालत बहुत नाजुक है, हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। इसका फैसला बड़े डॉक्टर के आने के बाद होगा, वो भी आते ही होंगे। हेलो, बांद्रा पुलिस स्टेशन, मैं डॉक्टर माथुर बोल रहा हूँ, नानावती हॉस्पिटल से।
एक केस रिपोर्ट करना है, कॉन्कशन ऑफ द स्कल। यस इंस्पेक्टर, बहुत सीरियस है, उसे लाने वाले लोग अभी यहीं हैं। जी हाँ, थैंक यू। जरा सुनो तो, यहाँ बात बहुत बढ़ चुकी है, मेरे ख्याल में पुलिस के आने से पहले हम अपने लॉयर को बुला लें। डॉक्टर, ऑपरेशन हो गए? अभी नहीं, मुझे उसका स्टेटमेंट लेना था। इस वक्त आप नहीं ले सकते। सत्यन का हाल क्या है? उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए, इसका मतलब है कि केस सीरियस है। अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? You'll have to wait and see, Mrs. Gupta. लेकिन वकील साहब, अब कानूनी पोजीशन क्या है? इसका दारोमदार सत्यन पर है। अगर सत्यन बच गया और उसने ये स्टेटमेंट दी कि आपने उसे मारा है, तो आप पर दफा 325 लगाई जाएगी, जिसके मुताबिक आपको 5 या 6 महीने की सजा होगी। और अगर क्या वकील साहब? और अगर सत्यन मर गया तो पुलिस आप पर दफा 307 लगाएगी, जिसके मुताबिक आपको 5 या 7 साल की सजा होगी। तो इसका मतलब है कि अब हमारी जान सत्यन के हाथों में है। फिर तो हमारा बचना नामुमकिन है, सत्यन हमें जेल भिजवाए बगैर नहीं रहेगा। वकील साहब, प्लीज हमें बचा लीजिए। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मेरे क्लाइंट इस वक्त यहाँ कोई बयान नहीं देंगे। जो भी स्टेटमेंट देनी होगी वो मैं दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, कोर्ट में। जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू। सत्यन कैसा है? अभी तक होश नहीं आया, शायद ऑपरेशन हो। भगवान जाने क्या होगा। सब अपने नसीब ही फूट गए हैं तो किसे दोष दें। लेकिन सुनो, तुम्हारे होते हुए बात यहाँ तक बड़ी कैसे है? मैं क्या करती, मुझे तो सत्य ने कमरे में बंद कर दिया था, और ये बाहर दोनों सत्य और विचित्र हो तुम। मैंने लाख खटखटाया, लेकिन मेरी किसी ने एक ना सुनी। इस तरह मारना, इतना मारना, सत्यन तो मुझसे वाला है ही, लेकिन ऐसा वार तुम्हें दुश्मन भी नहीं करता। क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में, क्या क्या नहीं किया मैंने बिजू के लिए। वो पढ़ लिखकर कामयाब हो, अच्छे से अच्छे संस्कार हो उसके मन में, उसका नाम हो, उसकी इज्जत हो, लेकिन मेरी बरसों की तपस्या को उसने पल भर में मट्टी में मिलाकर रख दिया। कितनी कोशिश की मैंने घर की इज्जत बनी रहे, लेकिन मेरे इस भाई ने मुझे हरा दिया। भाभी, सत्यन, सत्यन कैसा है? सब भगवान के हाथ में। बेटी, हमारे नसीब तो फूट चुके हैं, तुम कितनी खुश नसीब हो, अब तो यही देखना बाकी रह गया है। मूर्ख कहीं के, ये तुमने अपने आप को किस मुसीबत में डाल दिया। आप भी मेरे बारे में सोच रही है? क्या करूं, सदा से जो कुछ करता है उसे पल भर में कैसे भुला सकता हूं। भैया, मैं आपके प्यार के काबिल नहीं, मैं नादान हूं। मुझे जो कुछ नहीं करना चाहिए था मैंने सब कुछ किया,
फिर भी आप मुझसे नाराज नहीं? भैया आप मुझे मारते क्यों नहीं, धुतकारते क्यों नहीं, चप्पल उतारकर मेरा मुंह क्यों नहीं तोड़ देते? दांत अगर जबान काट ले तो कोई अपने दांत थोड़े तोड़ डालता है। माधवी, बिजू लौट आया है। ये पुलिस तुम्हारे लिए, तुमने कोई बयान तो नहीं दिया ना? नहीं। क्षमा कीजिए, आप इसी सिलसिले में तशरीफ लाए? लेकिन आप तो... जी, मेरा नाम है नमेंदु प्रसाद गुप्ता। जिस लड़के को चोट लगी है वो मेरा भाई है, छोटा भाई। दरअसल वो मेरा सौतेला भाई है साहब। हमारा मकान पिता पुरखी मकान है, वो इसमें हिस्सा मांगता था। मुझे ये बात पसंद नहीं थी, आपस में झगड़ा हो गया, तू तू मैं हो गई। गुस्से में आकर मैंने कोई वजनी सी चीज उठाकर उसके उसके सर पे दे मारी साहब। ये गलत है, ये झूठ है, सब गलत। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? क्या मतलब? जब बड़े भैया हमारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हैं तो फिर तुम क्यों उन्हें रोकते हो? क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि बड़े भैया जेल चले जाए और हम बच जाए? यही तो मौका है। हमेशा का झगड़ा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। एक मरने को तैयार है, दूसरा जेल जाने को। उनकी बेवकूफी का फायदा उठा लो। लाठी भी टूटे और सांप भी मरे। बेशरम, बीजू, ये क्या बेहूदगी है? बीच में मत आओ भैया, ये औरत नहीं नागन है, नागन। चुप रहो, मेरा जो कुछ भी है तुम्हारी बीवी है। आज मेरी आंखें खुल गई, मेरी अकल पर पड़े हुए पर्दे उठ गए। ये औरत नहीं चुड़ैल है जिसने मुझे अपने खून से अलग किया। रिजू, गुजरी बीती बातों को दोहराने वाला नादान होता है बेटे। भैया, आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया कह नहीं सकता। इतना जानता हूं, जन्म जन्म तक अपनी चमड़ी के जूते बनवा कर इन पांव में पहनाऊं, तब भी आपको कारों का बदला नहीं चुका सकता। शांत हो जाओ। मगर अब और नहीं भैया, और नहीं। इंस्पेक्टर, सत्यम को मैंने मारा। आप लोगों को मुबारकबाद है, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं। मिस्टर सैतन का जख्म बाहरी था। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन? ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और ना पड़ेगी। कहाँ है वो? अंदर। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? ऑफ कोर्स, आइए। जस्ट अ मिनट, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, जब तक मैं उसके बयान न ले लूं तब तक इनमें से उसे कोई नहीं मिल सकता। ओह आई सी। आप लोग एक मिनट बाहर रहें, इफ यू डोंट माइंड। उस समय कोई गलत बात कह दी तो? चिंता ना करो माधवी, सत्यन गुस्से वाला जरूर है मगर है तो हमारा भाई ही ना। तकलीफ की माफी चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके सर पर यह जख्म कैसे आया? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको किसने मारा? आपको गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी ने नहीं मारा। तो फिर ये जख्म? जी, वो सीढ़ियों से उतरा था, पांव फिसल गया,
गिर पड़ा। क्या आप सच कह रहे हैं मिस्टर सुल्तान? सच बोल रहा हूं। ठीक है, कहा था ना सत्यन गुस्से वाला जरूर है, और है तो हमारा भाई। भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं जिंदगी में सिर्फ मतलब के रास्ते पे चली हूं, अब आपके रास्ते पे चलना चाहती हूं, अपने चरणों में जगह दीजिए। ठीक है करीबो, उठो उठो। पिताजी काश आप अपनी आंखों से देख रहे होते, आज इस घर में कोई सगा नहीं, कोई सौतेला नहीं।